बात करेंगे व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. हम नॉर्मली कहते हैं दैट दिस एसिड इज मोनोबेसिक, दिस इज डायबेसिक और दिस इज ट्राइबेसिक. सो व्हाट इट मींस, किसका मतलब है क्या? अगर हम किसी एसिड की बेसिसिटी की बात कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लेट्स डिस्कस दैट. सिंपली बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड. अगर हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इफ वी आर एडिंग एन एसिड, ओके, हम एक एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं एंड इट इज प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर नंबर, वी कैन से एन, ओके, एन नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस. सो एन विल बी द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, ओके. एंड रिमेंबर हेयर एच पॉजिटिव आयंस गिवन और वी कैन से एच पॉजिटिव आयन विच आर रिप्लेसेबल इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, ओके. एक एसिड के मॉलिक्यूल से कितने रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन्स है उसमें, उससे हम पता करेंगे दैट व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड. अब यहां पर हम बात करेंगे एसिड्स में मोनोबेसिक एसिड की एंड वी विल टेक एग्जांपल ऑफ एचसीएल. अब हम बात करेंगे एचसीएल की. दिस इज एचसीएल, ओके. व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वॉटर इट डिसोशिएट्स, ये डिसोशिएट होता है एंड इट प्रोड्यूसेस एच पॉजिटिव सीएल नेगेटिव. सो हेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ एचसीएल, वी हैव टेकन वन मॉलिक्यूल ऑफ एचसीएल एंड इट विल डिसोशिएट एंड इट विल प्रोड्यूस वन एच पॉजिटिव आयन एंड वन सीएल नेगेटिव आयन, ओके. सो हेयर वन रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट, ओके. इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इस एसिड में, हाइड्रोजन इस एसिड में प्रेजेंट है जो एच पॉजिटिव के फॉर्म में रिप्लेस होती है. सो सिंस वन मॉलिक्यूल इज गिविंग वन एच पॉजिटिव आयन, वी कैन से दिस एसिड इज मोनोबेसिक. दिस एसिड इज मोनोबेसिक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट डायबेसिक. वी कैन सी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, डाय मीन्स टू. सो एन एसिड विच हैव टू रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन्स इज डायबेसिक. वी विल टॉक अबाउट H2SO4 हियर. हम बात करेंगे H2SO4 की. H2SO4 व्हेन डिसॉल्व इन वाटर ब्रेक्स लाइक दिस, 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन. सो हियर वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज गिविंग 2 H पॉजिटिव आयन, सो दैट एसिड इज डायबेसिक. आफ्टर दैट वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. हेयर इज H3PO4. सिंस H3PO4 विल गिव 3H पॉजिटिव आयन प्लस 1PO4 3 नेगेटिव आयन. हेयर वन मॉलिक्यूल of this is giving 3H positive ions when dissolved in water, so its basicity is 3, so it is tribasic in nature. So this is all about basicity, but remember that जरूरी नहीं है कि जितने H present हैं एक acid में उतनी ही उसकी क्या हो, basicity हो. Simply you can see here HCl, 1H was present, it was monobasic. Next was H2SO4. Here were two hydrogens, it was dibasic. And H3PO4, it was tribasic.
बेसिक. इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे हाइड्रोजन जितने हो उतना ही बेसिक ये एसिड हो. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ CH3COOH. इफ वी विल डिजोल्व दिस इन वॉटर इट विल ब्रेक लाइक दिस CH3COO नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव. सिंस इट इज हैविंग 3 एंड दिस इज 4. इट इज हैविंग 4 हाइड्रोजन एटम इन द फॉर्मूला बट ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज replaceable. So since one hydrogen atom is replaceable, this is mono basic. So this is all about basicity of an acid. If you like the video, please like, share, subscribe, and thank you for watching.